जिले में काफी दिनों के बाद आखिरकार भाजपा को संजीवनी मिल ही गई। महापौर पद पर आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल के जीतने के बाद भाजपा में खलबली मची थी। उसके बाद तीनों जनपद अध्यक्ष के पदों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत का सेहरा बांध लिया। फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया, जिससे सिगरौली से भोपाल तक भाजपा में हड़कंप मचा हुआ था। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, और नगर निगम में अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खासकर भाजपा के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा वाली सीट थी। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह समेत कई बड़े नेता लगातार चुनाव जीतने की प्लानिंग में जुटे रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष बीरेंद्र गोयल के साथ ही विधायक राम लल्लू बैस, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, चितरंगी विधायक अमर सिंह समेत पूरी जिले की भाजपा जुटी थी। कांग्रेस की ओर से शेखर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि भाजपा से देवेश पांडे ने पर्चा भरा। देवेश पांडे को 26 मत जबकि शेखर सिंह को 19 मत मिले। एक वोट निरस्त हो गया। देवेश पांडे ने 7 वोट से जीत दर्ज कर भाजपा का कमल खिलाकर भाजपाइयों को पटाखे फोड़ने का मौका दिया और विजय जुलूस निकाला गया। भाजपा के पास बहुमत था, लेकिन उसे क्रॉस वोटिंग का डर था और हुआ भी। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भाजपा की नैया पार कराई। कांग्रेस के पास सिर्फ 12 पार्षद थे, लेकिन निर्दलीय बसपा और कुछ भाजपाई वोटों के बदौलत कांग्रेस ने 19 मत हासिल किया, जो कांग्रेस के लिए एक वरदान था। बहरहाल भाजपा की जीत के बाद जिले में बैकफुट पर आए पदाधिकारियों को संजीवनी के रूप में स्पीकर पद मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। देखिए, कार्यकर्ता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जीत है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में आप देखे होंगे, संगठन हमारा प्रभावी है, जिनको भी एक माने आम कार्यकर्ता को भी मौका देता और कार्यकर्ता जहाँ पर भी है उस अपने संगठन के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्ति करता है। आज हम जैसे एक जमीनी माने नीचे स्तर का कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा से जुड़ करके आज इस जगह आज इस ऊँचाई पर बैठा दी है पार्टी, मैं पार्टी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं तो ये सिंगरौली के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी लोग मिलकर के बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे कि सब एक साथ मिलकर के क्षेत्र का विकास करें। पार्टी के लिए जैसा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं हारा है। कुछ कारण से हम भले चुनाव विगत दिनों हारे, लेकिन आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह सशक्त है। और इस चुनाव में आप जो ऊर्जा उत्साह देख रहे हैं वह हमारे कार्यकर्ताओं का है। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं।